आज हम लोग क्लास फर्स्ट का मैथ्स का चैप्टर फोर पढ़ेंगे मेकिंग टेन हमने इससे पहले थर्ड चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने वन टू नाइन काउंटिंग सीखी थी आ, आज हम टेन कैसे बनता है ये सीखेंगे टेन देखिए आप लोग देख रहे हैं टेन कैसे वन लिखा है और जीरो लिखा है तो वन ये जीरो कैसे बनता है चलिए इसे सीखते हैं पहले हैं डॉटी बाग हर डिज़ाइन हैव यू सीना लेडी बाग ओके okay, क्या आपने ऐसा कोई कीड़ा देखा है जिसके ऊपर इस तरह से लेडी वर्ग कीड़ा देखा है इसके ऊपर इस तरह से ब्लैक ब्लैक डॉट हो सी हैज़ डॉट्स ऑन हरा बॉडी हैव यू एवर नोटिस द नंबर ऑफ़ डॉट क्या आपने उन्हें काउंट किया है कि कितने सारे डॉट्स हैं तो चलिए हम लोग इस ले, लेडी वर्ग जो कीड़ा का नाम है लेडी वर्ग इसके डॉट्स देखते हैं राइट द नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच बाग ओके हमें जो कीड़ा की पिक्चर लग बनी है उस पर जो डॉट्स हैं उनको काउंट करके लिखना है काफ़ी इजी है ना वन टू थ्री फोर ओके इसमें फ़ोर है वन टू थ्री फोर फाइव इसमें फाइव है एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स वन टू थ्री ये थ्री हमने लिखा आगे देखते हैं थोड़ा सा स्पीडली करेंगे बेटा हाँ काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाते हैं इसलिए कोई चीज़ ना समझ में आई तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके मेक सम डॉट्स डिज़ाइन विथ ऑब्जेक्ट्स लाइक टेराम सीड्स पीबल्स बटन्स बिंदीज एक्सेट्रा एंड फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच अरेजमेंट ओके आपको इसी तरह से डॉट्स से कुछ इस तरह से डिजाइन बनानी है इसके लिए आप बिंदी ले सकते हैं इमली के सीड्स मतलब इमली के दाने ले सकते हैं बटन्स ले सकते हैं कुछ भी कोई भी पत्थर या कंकड़ ले सकते हैं और इस तरह से उनकी डिज़ाइन बनानी डिजाइन पर उन्हें काउंट करना है कि कितने इसमें लगें जैसे इसमें कितने डिज़ाइन लगे हैं फोर इसमें फाइव इसमें सिक्स ओके आइडेंटिफाई एंड राइट द नंबर फॉम बाय द अरेंजमेंट ऑफ रेड बिंदीज ओके हमें रेड बिंदीज कितनी लगी हैं लिखना है काउंट करके जैसे ये वाले डिज़ाइन है तो इसमें कितनी बिंदीज आपको रेड दिख रही है वन टू थ्री फोर फाइव तो हमें यहाँ फाइव लिखना है नेक्स्ट डिजाइन में कितनी दिख रही हैं थ्री नेक्स्ट डिजाइन में तो इन डिज़ाइनों को काउंट करके रेड बिंदियों को लिखना था प्ले विथ योर फ्रेंड रोल द डाइस एंड कलर अ बॉक्स विद द सेम नंबर ऑफ डॉट्स एज ऑन द डाइस टर्न विथ फ्रेंड्स एंड रोल अगॉन ठीक है आपको इस तरह से गेम खेलना है कि दिया है इसमें क्या करना है डाइस होता है जो लूडो का डाइस उसे चलना है माई कलर आप अपना कलर पहले चूज कर लीजिए जैसे मैंने लिखा एक कलर ब्लैक आपने ब्लैक कलर लिया एंड दूसरा कलर येलो ओके जैसे आपने डाइस चला और डाइस के बाद चलने के बाद आपके दो आए तो जो भी दो कलर है उसमें आपको ब्लैक कलर करना है आपके दोस्त ने चला आपके दोस्त का कलर कौन सा है येल्लो और आपके दोस्त को फाइव आए तो वो फाइव में जाके क्या करेगा कलर करेगा जिसके ज़्यादा जितने ज़्यादा कलर बॉक्सेस हो जाएंगे वो ही इस गेम का विनर होगा ओके विशिंग बटन्स वैसिंग बटन्स क्या होते हैं गोला मंकी वियर्स हिज फेवरेट शर्ट विथ फोर बटन ओके एक मंकी है इसने एक शर्ट पहनी हुई है जो उसमें फोर बटन है ही वेंट टू द गार्डन एट टू मैनी बना दा एस सी ए फाउंड ऑफ दम ओके वो गार्डन में गया गार्डन में उसको क्या है बहुत सारे बनाना मिल गए तो फिर बनाना मिल जाए केला मंकी को तो मंकी कहाँ मानता है हाँ फिर तो बहुत सारे खाएगा क्योंकि बनाना फेवरेट होते हैं मंकी के वाट डू यू थिंक हैपन दैन वन ऑफ द बटन्स पॉपड आउट एंड रोल्ड अवे ओके उसने इतने सारे खाए जब भी देखे आप लोग खाना ज्यादा खा लेते हैं तो आपका पेट क्या है बाहर सी आ जाती है तो इसी तरह से मंकी की भी धोंद बाहर आ रही है और एक बटन आउट हो गया मतलब टूट गया नेक्स्ट एक बटन आउट हो गया टू देखिए फोर बटन थे फोर के बाद थ्री बटन बचे अब टू बटन एक और आउट हो गया टू के बाद वन बटन बचा अब जीरो जो जो भी कुछ होता नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं जीरो जब कुछ नहीं होता है तो बचता है जीरो जीरो कैसे लिखा जाता है इस तरह से गोल गोल अंडे की तरह ओके राइट द नंबर ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री हमें बर्ड्स को काउंट करना है और लिखना है कि कितनी है तो वन टू थ्री वन टू एक उड़ रही है मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे ये जा रही है इसको नहीं बैठना अब इसको नहीं बैठना तो हम लिखेंगे टू अगेन यहाँ पे कितनी है और यहाँ पे सारी उड़ गई तो तो कितनी बची तो यहीं पे है जीरो लिखने की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग ऐसे ऐसे आप लोग इसकी जीरो लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा एंड टेल हाउ मैनी सन्स डू यू सी इन द नाइट आपको दिन ना रात में कितने सूरज दिखते हैं तो बताए रात में कई सूरज निकलते हैं सूरज तो सुबह निकलता है दिन में तो अगर डे यहाँ पे होता तो हमारा आंसर होता है वन लेकिन यहाँ पे नाइट पूछ रहे हैं तो हमारा आंसर क्या होगा जीरो इसे इस तरह से आप जीरो लिख बना सकते हैं या फिर स्पेलिंग लिख सकते इस तरह से जीरो हाउ मैनी मोस्ट डू यू सी एट द नून ओके दिन में आपको कितने चांद दिखते हैं चंद्रमा दिन में कितने दिखते हैं तो चंद्रमा हमेशा रात में दिखता है दिन में थोड़ी दिखता है तो आंसर होगा हमारा जीरो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं ओके अब हम लोग टेंथ बर्थडे ओके किसी का बर्थडे मनाया जा रहा है वो कौन सा बर्थडे है टेंथ वो टेन ईयर की हो गई इट्स आस्था ओके आस्था का बर्थडे है देखिए आपकी तरह कितनी प्यारी बच्ची है और ये इसका बर्थडे हर फादर प्रिपेयर्ड हलवा फॉर हर ओके इसके फादर ने क्या बनवाया है हलवा सी सेलिब्रेटिंग द बर्थडे विथ हर फ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ ये बर्थडे मना रही हैप्पी बर्थडे आज तक चलिए टेंथ बर्थडे है तो टेंथ बर्थडे पे इसने डेकोरेशन देखी क्या क्या किया है दिए जलाए हैं कितने दिए जलाए हैं टेन हम लोगों को बर्थडे अपना इसी तरह से मनाना चाहिए अपने जैसे जैसे हमारा स्टाइल है वेस्टर्न स्टाइल कैंडल वगैरह जला के फिर फूक मार के अपनी अपनी पसंद है पर ये दिए जला के ज्यादा बेस्ट है तो इसने टेन दिए जलाए हैं क्योंकि ये टेन ईयर की हो गई अब ये इलेवन ईयर की हो जाएगी तो इलेवन दिए जलाएगी और एक दिया ये तुलसी पे रखा है जिसकी पूजा की जाती है सबके घरों में वहां पे तो ये अलग से होता है एक्स्ट्रा ओके चलिए आई एम नाइन ईयर्स ओल्ड आफ्टर वन मोर ईयर आई विल बी टेन ईयर्स बोले मैं नौ साल की हूँ और एक साल बाद मैं टेन ईयर की हो जाऊंगी नाइन एंड वन मोर टेक बेक्स सॉ मेक्स टेन नाइन में अगर हम एक ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा टेन ऐसे ही एट में अगर हम वन ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा नाइन जब भी हम किसी भी संख्या में एक ऐड करते जाएंगे डिजिट में तो उसकी आगे वाली आती जाएगी She has lighted the on her okay, उसने बर्थडे पे कितने दिए जलाए टेन तो अब हमारा जो नाइन तक काउंटिंग हमने पढ़ी थी इस नेक्स्ट वीडियो में तो इसमें हमने क्या बनाना सीखा टेन तो कैसे बनता है वन और, और जीरो में एक नंबर और एड हो जाता है तो हमारा टेन बन जाता है काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ओके आपको ये काउंट करने है कि कितनी इसमें वीड्स है माला में तो ये टेन है मैंने काउंट की है आप भी काउंट कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लड्डू कितने हैं टेन इसके पास कलर्स कितने हैं क्रेन्स टेन बनाना कितने हैं काउंट कीजिए टेन और इसमें लीफ कितनी लगी है टेन तो ये है हमारे टेन टेन का सीक्वेंस काउंट एंड ड्रॉ वीड्स टू मेक स्ट्रिंग ऑफ टेन बीट्स ओके आपको यहाँ पे टेन बीट्स कंप्लीट करनी है तो पहले से कुछ है कुछ कंप्लीट करनी है, One, two, three, four, five, six. Six है. तो काउंट करें? तो करेंगे कलर आप करिएगा ब्लू के बाद येलो येल्लो या के बाद ब्लू इस तरह से कलर खुद से कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ओके ड्रॉ बटन टू मेक आर टेन फ्रेम ऑफ बटन ओके आपको बटन इस तरह से ड्रॉ करना है जैसे इसमें ड्रॉ है और एक टेन का फ्रेम बनाना है तो जिसमें जितने भी ये बॉक्सेस खाली हैं सब में आपको ड्रॉ करना है तो हमारा एक का फ्रेम बन जाएगा जितने भी खाली है सब में आपको ड्रॉ करने हैं चलिए द हैंडी फाइव बनाना है और इसमें क्या करना है फॉलो द पैटर्न राइट द नंबर पेयर सेपरेटेड बाय अ स्टिक ओके आपको यहाँ पे पैटर्न दिया गया है जो एक स्टिक से इन्होंने सेपरेट कर रखा है जैसे कि पहला एक स्टिक एक पत्थर के बाद अब पत्थर बोलो या स्टोन बोलो स्टोन के बाद इन्होंने स्टिक लगा दी तो यहाँ पे लिखा इन्होंने वन इसको अलग कर दिया फिर ये कितने हो गए फोर तो वन और फोर कितने हो गए फाइव तो फाइव को इस तरह से अलग किया गया है और फाइव को कैसे अलग कर सकते हैं टू और इधर थ्री तो यहाँ पे हो जाएगा टू थ्री तो टी टू थ्री भी ऐड करो तो कितना होता है फाइव फिर थ्री टू तो थ्री टू ये भी हो गया फोर वन फोर वन तो ये भी हमारा क्या हो गया नेक्स्ट है फाइव पूरा और इसके बाद यहां कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे जीरो फाइव और जीरो भी फाइव ही होता है नेक्स्ट है सो थ्री फिंगर्स योर फ्रेंड हैज टू शो सम फिंगर्स टू मेक इट फाइव ओके आपको फाइव बनाने के लिए जैसे आपने थ्री फिंगर्स दिखाई तो आपका फ्रेंग फ्रेंड उसमें कंप्लीट फाइव बनाने के लिए टू दिखाएगा आप वन दिखाएंगे तो आपका फ्रेंड फोर दिखाएगा इस तरह से ये गेम है फिंगर्स का आप चाहे तो खेल सकते हैं नंबर पेयर्स ऑफ टेन अब टेन का पेयर्स बनाएंगे हम फिंगर से लेट अस प्ले द फिंगर गेम अदर बोथ हैंड्स ओके हम बोथ हैंड्स दोनों हाथों से फिंगर गेम खेलेंगे ए चाइल्ड विल सम फिंगर्स द अदर चाइल्ड हैज टू शो द अदर फिंगर्स दैट आर फोल्डेड फॉलो द पैटर्न एंड राइट द पेयर्स इन द गिविंग टेबल ओके देखो बच्चों हमें ना कैसे ये गेम खेल रहा है दोनों हाथों से देखिए आप अपने दोनों हाथों से कोई भी फिंगर ओपन कीजिए ओके मान लीजिए आपने एक ओपन की और बाकी सब फोल्ड है तो दूसरा फ्रेंड आपका क्या करेगा आपने अगर एक ओपन की तो वो सिर्फ एक को बंद करेगा फोल्ड करेगा और बाकी सब ओपन कर देगा मतलब जस्ट अपोजिट उल्टा ओके okay? तो फिर वन और नाइन कितने बन गए टेन ऐसे ही आगे करना है इसने टू फिंगर ओपन की है तो आपका फ्रेंड क्या करेगा टू फिंगर को फोल्ड करके सारी फिंगर ओपन कर देगा तो ये क्या बनेगा टू और एट का सिक्वेंस बनेगा जिसमें सम होगा टू और एट का टेन नेक्स्ट है थ्री और टू तो थ्री और सॉरी थ्री और सेवन यहां पे सेवन आएगा सेवन तो ये भी बनेगा हमारा टेन देखिए आप लोग किस किस तरह से टेन बन सकता है फोर और ये सिक्स तो भी टेन फाइव फाइव टेन देखा टेन कितनी तरह से बना है एक गेम है लेट अस प्ले अ कार्ड गेम कार्ड गेम ओके आपको वन से टेन तक क्या करना है कीप ऑल कार्ड्स फेस डाउन आपको उनको जो नंबर्स होते हैं उनको छुपा के रखना है कार्ड्स को फिर आपका फ्रेंड उठा के देखेगा दिखाएगा सबको कि दूसरा नंबर क्या है फिर आपका दूसरा फ्रेंड उठाएगा अगर दोनों का एड जैसे मान लीजिए एक का आया फाइव और दूसरे भी फ्रेंड का आया फाइव तो टेन बन गया तो पहला वाला फ्रेंड आपका जीत जाएगा अब दूसरा बच्चा कंटिन्यू करेगा ओके जैसे फोर आया और सेकंड में आया सिक्स तो टेन का अगर पेयर बन गया है तो वो फ्रेंड जीत जाएगा इस तरह से गेम है ये काउंटिंग अप टू ट्वेंटी ओके हमने काउंटिंग कहां तक सीखी टेन से अब हम ट्वेंटी तक सीखेंगे कैसे सीखेंगे चलिए सिमरन लिप्स इन नागपुर सिमरन कहाँ रहती है नागपुर में सी इज हेल्पिंग हर फादर इन पैकिंग ऑरेंज और वो ऑरेंज को पैक करने में पापा की मदद करती है लेट अस काउंट द नंबर इस तरह से टेन लिखा जाता है ई एन स्पेलिंग इसकी टेन में अगर हम एक जोड़ दी जाए टेन और वन तो कितना हो जाएगा इलेवन साथ में ये स्पेलिंग बेटा आपको याद करनी ई एल ई वी एन ओके टेन में अगर टू ऐड कर दिया जाएगा तो ट्वेल्व टेन में अगर थ्री ऐड कर दिया जाएगा तो थर्टीन टेन में फोर ऐड करेंगे तो फोर्टीन टेन में फाइव ऐड करेंगे तो फिफ्टीन टेन में सिक्स ऐड करेंगे तो सिक्सटीन टेन में सेवन ऐड करेंगे तो सेवनटीन अब ये कैसे ऐड हो रहा है ये भी सुन लीजिए देखो बच्चों जब भी हम इस तरह से लिखते हैं ना तो वंस हमेशा वंस के नीचे आता है तो जीरो में कोई भी नंबर हम ऐड करेंगे तो वही नंबर आ जाता है वन तो ये बन जाता है सेवनटीन ओके okay? अब 10 में 8 एट ऐड करेंगे तो एटीन टेन में नाइन ऐड करेंगे 19, 10 में ऐड करेंगे तो ट्वेंटी -E याद करनी है बुक से देख के राइट द ऑफ टू आपको इस तरह से इसमें फिलअप करना है भरना है पूरा नंबर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी है ये आप स्वयं कीजिए इसी तरह से कंटिन्यू में इस तरह से लिखना है ओके चलिए नेक्स्ट है हमारा काउंट एंड राइट द नंबर राइट द आंसर ओके ये जो बंडल है ये हमेशा टेन का होता है टेन के बाद ये जो कितनी भी ओपन है इन्हें हम काउंट करेंगे एट तो हमने अभी पढ़ा था क्या हो गया एट्टीन ये भी जो पूरी लीव्स होती ये टेन की होती है टेन के बाद थ्री और एक्स्ट्रा है तो हम टेन और थ्री करेंगे क्या हो जाएगा थर्टीन कलर द टेन फ्रेम टू शो द नंबर ओके हमें कलर करना है कैसे करना है इसमें टेन का पूरा कलर करना है क्योंकि फोर्टीन है तो फोर्टीन को हम कैसे करेंगे टेन प्लस फोर तो इस वाले फ्रेम को पूरा कंटिन्यू आपको कलर करेंगे और यहाँ पर फोर है तो फोर बॉक्सेस को कलर करेंगे अब यहाँ पे है टेन प्लस नाइन तो इसमें तो पूरा कलर करेंगे पूरा इस तरह से और इसमें नाइन ही बॉक्स एड कर कलर करेंगे ठीक है यहां तक ये एक बॉक्स को हम कलर नहीं करेंगे इस तरह से कलर करेंगे सिक्सटीन है तो टेन प्लस सिक्स होता है इसको पूरे को कलर करेंगे और दूसरे वाले में सिर्फ सिक्स बॉक्सेस को कलर करेंगे इस तरह से आप अच्छे से कलर कीजिएगा मैं तुझसे बता रही हूं okay? चलिए नेक्स्ट है हमारा राइट डाउन द नंबर इन सिक्वेंस आपको सिक्वेंस में नंबर लिखने वन टू थ्री फोर ट्वेंटी इस तरह से सिक्वेंस में आपको लिखना है नेक्स्ट है हमारा एंसर्कल ग्रुप ऑफ टेन इन पिक्चर मैच द नंबर ओके आपको एंसर्कल करना है in, फ्लावर्स वीड्स बटन्स जो भी दिख रहे हैं उन सबको पहले काउंट करना है एंड मैच करना है तो फ्लावर्स कितने एंड okay. ये लीप्स तो ये लीव्स तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ओके बटन्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब okay. बच्चे तो ये 17 होंगे. Next है ग्रुप ऑफ टावर ओके कुछ बच्चे गेम खेल रहे हैं, बना रहे हैं टावर क्या बना रहे हैं टावर टिक दॉलेस्ट टावर हमें सबसे ऊंचे वाले टावर पे टिक करना है तो सबसे ऊंचे देखिए ये वाला टावर है किया विच टावर यूज्ड इन द मोस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स राइट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स सबसे ऊंचा है उसी ने ज्यादा ब्लॉक बनाए होंगे तो इसी को काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नेक्स्ट है हमारा बिस्ट टावर यूज विथ लीस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो सबसे छोटा है वो सबसे कम ब्लॉक्स यूज किए होंगे सबसे छोटा हाँ ये वाला है जस्ट मिनिट ये देखिए ये सबसे छोटा है देखिए इसमें पहले काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नहीं ये वन टू थ्री फोर ये फोर है तो सबसे छोटा है नेक्स्ट है लेट अस डू एंड सर्कल वो सॉरी सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर हमें जो सबसे छोटा डिजिट है ना जैसे कि काउंटिंग पढ़ते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इसमें सबसे छोटा क्या है वन क्यों ये सबसे पहले आया फाइव उसके बाद आया तो ये बड़ा होगा ऐसे ही हम इलेवन ट्वेल्व थर्टीन को अगर हम लिखे तो इसमें सबसे छोटा क्या है इलेवन और सबसे बड़ा थर्टीन तो जितना आगे हम चलते जाते हैं वो आ जाता है बिगेस्ट नंबर बड़े को बोलता है बोलते हैं बिगेस्ट नंबर छोटे नंबर को बोलते हैं स्मॉलेस्ट नंबर चलिए हमें स्मॉलेस्ट नंबर पे इसमें टिक करना है तो एट ट्वेल्व सिक्स में सिक्स स्मॉलेस्ट है फोर्टीन इलेवन नाइनटीन में इलेवन स्मॉलेस्ट है सर्कल द बिगेस्ट अब हमें बिगेस्ट नंबर पे सर्कल करना है मतलब बड़ी तो होगा नाइनटीन और इधर इलेवन सेवेंटी नाइन में है ओके ओके फाइंड द द नंबर ऑफ अंडर एक बिल्ली है जो आपने वर्कशीट बना के रखी थी वो आके उसमें पैर रख गई पंजे तो ये नंबर सारे छिप गए तो आपको लिखने हैं तो ठीक है लिखेंगे फिफ्टीन के पहले कौन सा नंबर आता है अगर आपको काउंटिंग अच्छे से याद है जस्ट अ मिनट अगर आपको काउंटिंग अच्छे से याद है तो आपको पता होगा फिफ्टीन के पहले 14 आता है। इलेवन 13, फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन वो किस तरह से भरना है राइट right, द नंबर ऑफ बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपको बिगेस्ट पहले लिखना है ओके ये ध्यान रखिए स्मॉलेस्ट बाद में तो इसमें सबसे बिगेस्ट नंबर है के बाद कौन सा छोटा है सिक्सटीन फिर थर्टीन फिर इलेवन फिर नाइन फिर थ्री इस तरह से बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट लिखा जाता है मैं इसकी वर्कशीट करवाऊंगी तो आप लोगों को बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी लेट अस काउंट ओके हमें बॉक्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट करने हैं कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन नंबर ऑफ वाइट डॉट्स ओके इसमें हमें जो काइट में व्हाइट डॉट्स है वो काउंट करने है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन कितने हैं थर्टीन ज्वाइन द नंबर ऑफ ओके हमें एक बर्ड की पिक्चर्स दी गई है हमें इस तरह से ज्वाइन करना है उसको तो पहले हम कलर चेंज करते हैं और ज्वाइन करते हैं वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी देखिए तो एक क्या बन गई पूछ है इट इज एन एनिमल और बर्ड क्या है ये वो एनिमल है या वर्ड है तो ये वर्ड है पच्ची है ठीक है तो हमारी ये चिड़िया रानी बन गई है इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए बाय बाय